नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रगति मीडिया। जैसा कि आप जानते हैं कि कोरोना महामारी भारत में दोबारा से प्रवेश ले चुकी है। भारत के अंदर 24 घंटे के अंदर 175 से ज़्यादा नए केस आ चुके हैं। कई जगह पर लॉकडाउन लग चुका है व कई जगह पर दोबारा से बंदिश लगाई जा रही हैं। वह कोरोना महामारी की जो वैक्सीन आई थी उसके भी टीकाकरण स्टार्ट हो चुके हैं। आज भी दिल्ली में हमारे डॉक्टर हर्षवर्धन ने भी अपनी पत्नी के साथ में टीकाकरण करवाया है। भारत में राजनेता व नेता टीकाकरण भी अपना करवा रहे हैं। इसी के चलते हुए सुप्रीम कोर्ट ने भी कोरोना महामारी के चलते हुए एक अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना महामारी के कारण ट्रायल कोर्ट से मिली अंतरिम जमानत पर जेल से छूटे 2318 विचाराधीन कैदियों को 15 दिन के भीतर जेल में समर्पण करने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि जो भी विचाराधीन कैदी थे, जो कि 2318 थे, उनको दोबारा से 15 दिन के अंदर जेल में दोबारा से भेजा जाए। आइए जानते हैं कि ट्रायल कोर्ट किसे कहते हैं, ट्रायल कोर्ट होता क्या है, जिसका अभी हमने चर्चा की थी। ट्रायल कोर्ट कोई भी मुकदमा जब प्रारंभ होता है, जब उसकी स्टार्टिंग होती है, यह प्रथम बार किसी मुकदमे की सुनवाई की जाती है। यदि किसी भी कोर्ट में होती है तो उसे हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं। मतलब कि पहला मुकदमा जिस कोर्ट में होता है उसे हम ट्रायल कोर्ट कहते हैं। अब जानते हैं कि अंतरिम जमानत क्या होता है। अंतरिम जमानत एक कुछ समय के लिए जमानत दी जाती है, जहां पर जो अपराधी होता है उसको कुछ समय के लिए जमानत दी जाती है। यह किसी भी आवेदन की पेंडेंसी के दौरान अदालत द्वारा दी जाती है, या यह जब तक दी जाती है जब तक कि नियमित जमानत के लिए आपका आवेदन न्यायालय के सामने निलंबित नहीं होता है। इसके साथ ही शीर्ष कोर्ट ने भी उन 356 विचाराधीन कैदियों को भी 15 दिन में समर्पण करने का आदेश दिया है, जिन्हें दिल्ली हाई कोर्ट ने अंतरिम जमानत दी थी। सोमवार को शीर्ष कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि कोरोना महामारी के कारण जिन विचाराधीन कैदियों को अंतरिम जमानत मिली है उन्हें 15 मार्च तक जेल में समर्पण करना होगा, उसके बाद ही वे जमानत के लिए आवेदन कर सकते हैं। इससे पहले संगठन की ओर से पेश वकील अजय वर्मा का कहना था कि 15 मार्च से अदालत नियमित रूप से खुलने वाली है, ऐसे में कोर्ट उन्हें कुछ समय दे ताकि वे जमानत के लिए आवेदन कर सकें। यह आदेश सोमवार को जस्टिस एल नागेश्वर राव और एस रविंदर भट्ट की पीठ के मामले में सुनवाई की दौरान किया गया है। इस मामले में गैर सरकारी संस्था नेशनल फोरम फॉर फ्यूजन रिफॉर्म्स ने एक याचिका दाखिल कर दिल्ली हाई कोर्ट के पिछले साल अक्टूबर के आदेश को चुनौती दी थी। दिल्ली हाई कोर्ट ने कहा था कि कोरोना के कारण दिए गए रोक आदेश और अंतरिम जमानत सिर्फ 31 अक्टूबर 2020 तक ही जारी रहेंगे। यह मामला जेलों में क्षमता से अधिक कैदियों का भी था, जिसमें कोर्ट ने वकील गौरव अग्रवाल को न्यायित्र नियुक्त कर रखा है। गौरव अग्रवाल ने जेलों में कैदियों की संख्या पर पूर्व में कोर्ट को सौंपी अपनी रिपोर्ट में बताया था कि दिल्ली की जेलों में करीब 17,000 कैदी हैं, जबकि क्षमता 10,000 कैदियों की है। इस मामले में कोर्ट अप्रैल में फिर से सुनवाई करेगा। अपना सुप्रीम कोर्ट ने भी यह एक बड़ा फैसला दिया है, जिसमें 2318 कैदियों को 15 मार्च तक दोबारा से जेल में समर्पण करने के लिए आदेश दिया है। कोरोना महामारी हमारे भारत देश में दोबारा से प्रवेश अपना ले चुकी है। हम आपसे यही प्रार्थना करते हैं कि आप इस बीच में मास्क लगा के रखें व आप बाहर जाते हैं या घर में प्रवेश करते हैं तो अपनी और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। नमस्कार, धन्यवाद।